हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SBS एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का नंबर सेकंड पार्ट, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड का पूरा पार्ट कवर कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो जाके भी देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे अभी इस टाइम पे दो चैप्टर चल रहे हैं केमिस्ट्री में। एक तो ये सॉलिड स्टेट और नंबर 5th आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो आप दोनों में से एक भी फॉलो कर सकते हैं, या अभी तो आप घर पर ही हो तो आप दोनों साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको जैसा ठीक लगे ऐसा करना। तो मैं अभी ये आगे बढ़ रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब अब हमको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमोरफस क्या है। तो अभी इस टॉपिक में हम करने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके अंदर के कौन से टाइप, वो तो हम पता चल गया कि ये क्रिस्टलाइन ये सॉलिड को बोलते हैं, पर इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप है, उसके भी सब टाइप है। तो हम बारी बारी एक एक अब पढ़ेंगे। तो चलिए, मज़ा एक ऐसा टॉपिक है। इन सेक्शन 1.3 वी हैव लर्नड अबाउट एमोरफस सॉलिड एंड दैट दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो इन्होंने बोला गया कि हमने इसके वाले पहले सेक्शन में पढ़ लिया है कि एमोरफस सॉलिड क्या है और वो ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। अब हाउएवर मतलब बोल रहे हैं कि हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड आर क्रिस्टलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मेटेलिक एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, नाफ्थालिन फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले बोला है कि ऑल द मेटेलिक, मतलब जो भी हम आयरन मतलब लोखंड, कॉपर, चांदी, वो भी जो मेटालिक है, जो मेटल से बने हैं, तो वो भी वो इस टाइप में आते हैं। ऑल दो नॉन मेटालिक भी आते हैं लाइक सल्फर, फॉस्फरस, आयोडीन एंड अदर कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिंक सल्फाइड, ZnS, नाफ्थालिन। ये आपको चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक में आएगा और चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन में इसके डिटेल में पढ़ने आएगा। तो अभी खाली नाम ही याद रखना बहुत हो गया। अब एग्जाम्पल में ऐसे भी पूछ सकते एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो गुजरात बोर्ड के बच्चे यहाँ पे हलवा जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम इंटू 4 कैटेगरी। तो बोला गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली इसके अंदर 4 टाइप आते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो नंबर 1 है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 है आयोनिक सॉलिड, नंबर 3 है मेटालिक सॉलिड, नंबर 4 है कोवेलेंट सॉलिड। तो लेट अस नो अबाउट द दिस कैटेगरी। तो बोला गया कि चलिए पढ़ते एक बाई एक कि क्या है और क्या उसकी डिटेल्स है वो हम देखते हैं। तो नंबर 1.3.1 मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूलर आर द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो देखिए, मॉलिक्यूलर में 3 है, पोलर है, नॉन पोलर है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। इसका पूरा एक चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो मिल जाएगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। अब मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमको वो तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल ही होगा। दीस आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो इसमें 3 है। तो नंबर 1 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स, फॉर एग्जाम्पल आर्गोन एंड हीलियम, और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाई नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोलते हैं कि नॉन पोलर आइदर एटम्स होते हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल आर्गोन एंड हीलियम, और द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जो भी मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तब पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन ऐसे टाइप में होता है। तो जो कोई भी मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर वे में फॉर्म हुआ तो वो इस सॉलिड तो वो नॉन पोलर
कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल एच टू, हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो दो मिल जाएंगे, तो एच टू, सी एल टू, आई टू एक्सेट्रा। इन दिस सॉलिड एटम्स आर मॉलिकुलर आर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। मतलब सबसे कमज़ोर यही होते हैं, लंडन फोर्स आएगा मतलब मात खत्म, डिस्पर्सन या लंडन फोर्स होते हैं, तो ये सबसे कमज़ोर होते हैं, अबाउट विच यू हैव डिस्कस इन क्लास 11। हाँ हमको पता है हमने कितना पढ़ा है, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, कुछ क्लास 11 में कुछ ध्यान नहीं दिया था, पर क्लास 12 में खूब ध्यान दिया था, तो आपको भी ऐसा ही करना है। दिस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। आपको अगर 2 मार्क में ये क्वेश्चन आए तो लिख दें इसका, ये पॉइंट बाई पॉइंट लिखने का। दिस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर यूजली इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये यूजली इसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और गैसियस स्टेट में होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर। अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूल, इसका उल्टा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस लाइक एच सी एल, एस ओ टू एक्सेट्रा आर फॉर्म बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब द मॉलिक्यूल जो भी एच सी एल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस ओ टू, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी पोलर बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, तो उसको ये कैटेगरी में गिना जाता है। द मॉलिक्यूल्स इन सच ए सॉलिड आर हेल्ड टूगेदर बाई रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बोला गया है कि जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग पोलर होते हैं और सबसे वीक नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर में लंडन फोर्स होते हैं वो अपने आप में बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पोलर मॉलिक्यूल, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल। अभी ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है सॉरी, पर ये कंपेरेटिव उससे स्ट्रॉन्गर है। दे सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सॉलिड, इसके ऊपर बिजली का कुछ असर नहीं होगा, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अभी एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, येट मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेज और लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बोला गया है कि देयर मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी हायर, मतलब उनको आप आसानी से पिघला नहीं सकते, आपको हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, और दे आर लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर, मतलब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस में होगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, जैसे कि मर्क्यूरी है ऐसा। और प्रेशर, सॉलिड एस ओ टू एंड एन एच थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड। तो बोला गया कि ये दो एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल खास याद रखना है, गुजरात बोर्ड के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है, इसका टेबल टेक्स्ट बुक में आगे दिया गया है, तो आपको मैं वो भी समझा दूंगा कि कैसे लर्न करना है। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, तो दिस द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच ए सॉलिड कंटेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरिन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड आर एच टू ओ। तो बोला गया है कि दिस सॉलिड कंटेंट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरिन, हाइड्रोजन और फ्लोरिन का और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये स्पेसिफिक दिया गया है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड लाइक एच टू ओ, मतलब बर्फ जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होता है, तो वो इसमें आता है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरली दे आर वॉलेटाइल और सॉफ्ट अंडर रूम टेम्परेचर। तो बोला गया कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और जनरली दे आर वॉलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ तक इसका हाइड्रोजन में दिया, आई होप मैंने आपको बेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है, अगर आपको फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अब आता है आयोनिक सॉलिड 1.3.2, ये मॉलिक्यूलर ख़त्म हुआ। अब आयोनिक सॉलिड, आयन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक सॉलिड, सच सॉलिड आर फॉर्म बाई 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड आयन आयन बाई स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। तो बोला गया है कि आयन्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक, जैसे मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल था तो आयोनिक में आयन होगा। सच सॉलिड आर फॉर्म बाई 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, मतलब 3 डायमेंशन इनका फिगर होगा, बाय अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन बाउंड बाई स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक मतलब आपको फिजिक्स में पढ़ा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कूलम्बिक, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है। दिस सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, मतलब ये सॉलिड हार्ड होते हैं, बहुत
और ब्रिटल भी होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनका दोनों, यह अकेला सॉलिड है जिसका मेल्टिंग भी है हाई और बॉइलिंग भी हाई है। सिंस द आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव, मतलब आयोनिक सॉलिड ऐसा फॉर्म होता है कि एक भी जन हिल नहीं सकता। हम देखते हैं कि वैन कोई भी कार होता है उसमें 15 से उसकी कैपेसिटी 10 टन, आपको 15 जन बिठा दे तो आप हिल भी नहीं सकते। ऐसा है आयोनिक सॉलिड का मॉलिक्यूल्स का हाल होता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। दे आर इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर इन द सॉलिड स्टेट, मतलब ये आइसोलेटर है, इनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का असर नहीं होगा। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट और वेन डिजोल्व इन वाटर द आयन्स आयन बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बोला गया है कि मोल्टन स्टेट जब भी वो पानी पानी में डिजोल्व करते हैं तो आयन फ्री, मतलब जब भी उनको रिलीज किया जाता है अपने नेचुरल नेचुरल फॉर्मेशन से तो वो फ्री हो सकते हैं। जैसे कि 15 जन थे तो 10, उसमें से 5 जन निकाल दिए तो 10 जन हिल सकते हैं ना आप, क्योंकि 5 निकाल दिए तो 5 की जगह खाली हो गई, इसलिए आप हिलजुल सकते हैं। तो ऐसे ही इनको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो वो भी फ्री हो जाएगी मूव करने के लिए। अब 1.3.3 मेटालिक सॉलिड, मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव और पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई एंड हेल्ड टूगेदर सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मतलब हिल सकते हैं, मूवेबल है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू द क्रिस्टल इवनली। ये लोग स्प्रेड भी हो सकते हैं। ईच मेटल एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दिस सी ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मेटल भी कंट्रीब्यूट, एक या ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। दिस फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो दिस फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर, मतलब यही जो घूमते रहते हैं ना वही जवाबदार होते हैं ये मेटेलिक सॉलिड फॉर्म होने में। जैसे कि जो भी क्लास में बच्चा घूमता रहता है उसके अच्छे मार्क नहीं आते तो वो उसका रिजल्ट ख़राब आता है, तो वो ख़राब रिजल्ट की वजह क्या है, क्योंकि वो घूमता रहता था। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो भी घूमते रहते हैं ना ये मॉलिक्यूल, इसलिए वो मेटालिक सॉलिड का नाम बदनाम करते हैं। आपको ऐसा याद रखना है, कुछ लिखना नहीं है। पर दिस व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयन। सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ ए मेटल, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, मतलब जब भी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है तो ये एक नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाते हैं, मतलब सबको चार्ज मिल गया इलेक्ट्रिसिटी से, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे कि आपको कम मार्क आए तो आपको डांट पड़ती है तो आप उस दूसरे दिन से ही पढ़ने बैठ जाते हो, ऐसा। सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाई टू वन पोर्शन ऑफ ए मेटल द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो थर्मल एनर्जी हो जाती है। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल इज देयर लस्टर एंड कलर इन सर्टेन एरिया, तो ये उनका दूसरा एक फीचर है कि उनकी साइन और कलर जो हमको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन इन देम, मेटल्स आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, तो उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। आज के वीडियो में भी इतना ही, और साथ ही साथ आपको अनाउंस करना चाहूँगा कि फिजिक्स के सारे चैप्टर की नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगा, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी वो वीडियो की, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को साथ भी शेयर करना कि उनको भी ये पूरा टॉपिक आ जाए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।